मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिशन शक्ति के बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह आपने देखा होगा, कई सारे न्यूज पोर्टल ने मिशन शक्ति और एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में आपको बताया होगा। लेकिन हम आपको मॉडर्न बाबा में मिशन शक्ति के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से लेकर के इसके टेक्निकल एस्पेक्ट तक के हर एक जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्तेश मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझते हैं मिशन शक्ति के बारे में। 27 मार्च 2019 को DRDO ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जैसा कि नाम है, एक सैटेलाइट को मारने की या जाम करने की क्षमता रखता है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इसके पहले सिर्फ 3 देशों के पास यह क्षमता थी। पहला देश अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। अमेरिका ने 1958 में ही ये क्षमता हासिल कर ली थी, रशिया ने 1964 में ये क्षमता हासिल की और चाइना ने 2007 में ये क्षमता हासिल कर ली थी। एक्स इसरो चीफ जी माधवन नायर का कहना है कि भारत यह क्षमता 2007 में ही हासिल कर चुका होता। ऐसे ही एक्स DRDO चीफ VK सरस्वत का भी कहना है कि भारत यह क्षमता कई पहले हासिल कर चुका होता, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजनों की वजह से, कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से यह क्षमता भारत हासिल नहीं कर पाया। VK सरस्वत जी का कहना है, उन्होंने 2012 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रेजेंटेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पेश किया था, मगर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया, जिसकी वजह से हम टेक्निकली पीछे रह गए। यह हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि यह जो एक्सपेरिमेंट हुआ है किसी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखना, यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। यह हमें एक शक्ति के रूप में प्रदर्शन करना है, क्योंकि शक्ति से ही शांति आती है। जब तक हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, दुश्मन देश हमें कमज़ोर समझेंगे और यह शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद ही वो हमको सशक्त समझेंगे और शांति कायम रहता है। खैर, ये सब इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। चलिए अब समझते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट। Defense is crucial and is advanced technology. India has designed anti-satellite missile to neutralize satellites. It is a 3-stage BMD interceptor missile. The radar identifies the target and tracks the satellite movement. The missile is launched from the launcher. Traveling at high speeds, the stage separation happens. The ground radars guide the missile in its path. The heat shield separated. The missile locks onto the incoming satellite. It hits the target and neutralizes it successfully. The anti-ballistic missile is crucial technology for the nation. इस एक्सपेरिमेंट के लिए DRDO की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का यूज़ किया गया है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। एंटी सैटेलाइट क्षमता को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाई बाय टेस्ट या फिर जैमिंग, लेकिन भारत ने पर्टिकुलरली काइनेटिक किल मेथड का यूज़ किया है। अब काइनेटिक किल व्हीकल क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक्सप्लोजिव्स नहीं होते, बट वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में होता है और अपने टारगेट को अपने हाई स्पीड से ही टक्कर मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। उस ऑब्जेक्ट को नेविगेट करने के लिए, हाई प्रिसीजन के लिए, उसमें रॉकेट्स लगे हो सकते हैं या फिर वो अपने प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्टरी, पहले से निर्धारित पाथ को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंडिया ने पर्टिकुलरली इस फील्ड में महारत हासिल कर रखी है और ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि सैटेलाइट आसमान में सिर्फ रुका हुआ नहीं होता, जब वो एक ऑर्बिट में होता है तो वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। इसका मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक बंदूक की गोली से दूसरे बंदूक की गोली को निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना तेज़ हो सकता है और उतने तेज़ सैटेलाइट को और इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने डिफ़िकल्ट मिशन को DRDO के साइंटिस्ट ने और भारत के साइंटिस्टों ने यह क्षमता का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है।
अब इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है इसके, अब खास करके हमने अभी इसको डिस्ट्रॉय करने का, एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता का डिमॉन्स्ट्रेशन तो दे ही दिया, लेकिन इसके अलावा भी इसे कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि पैलेट क्लाउड सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है, पूरे स्पेस सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक्सप्लोजन से हम अंतरिक्ष के बहुत सारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाई एनर्जी बीम, लेज़र बीम का यूज़ करके हम एनिमी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम टारगेटेड मिसाइल का यूज़ करके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसी भी मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ सैटेलाइट से कम्युनिकेट होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारा इंटरनेट, सब चीज़ सैटेलाइट से चल रहा है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट, किसी कंट्री के कई सारे सैटेलाइट को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें, तो फिर हम उस पूरे के पूरे कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, जो कि किसी मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे सामने हो सकता है। लेकिन एक और बात में ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको हमने किसी भी मिलिट्री वॉरफेयर में यूज़ करने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ हमारे भारत का क्षमता डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी भी युद्ध की स्थिति होती है, सिर्फ उसी केस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे पहले से कभी भी, जैसे कि भारत के इतिहास में दिखाया गया है, किसी कंट्री पर अटैक करने के लिए भारत अपना पहला कदम नहीं लेगा। एक और बात पर ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि आज तक के किसी भी देश ने एंटी सैटेलाइट क्षमता का दूसरे देश के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अपनी क्षमता का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपने ही देश के निष्क्रिय सैटेलाइट्स, डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए किया है। अब इसका रेंज क्या हो सकता है? इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो यूज़ किया गया है, वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पर टारगेट किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास, लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट चल रहा था वो धरती से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे था, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे ही इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इससे एक और सवाल ये उठता है कि क्या ये स्पेस डेब्री बना सकता है? स्पेस डेब्री, इसका मतलब स्पेस में कचरा, अगर हम यहाँ पर से सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो अंतरिक्ष में कचरा होगा, क्योंकि वहाँ पर हम सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो कुछ दिनों के बाद ये वापस से धरती पे आ जाएगा और ये अंतरिक्ष में कचरा के रूप में नहीं रहेगा। तो इस बात के लिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर अगर कोई सैटेलाइट है, तो उसे निशाना साधना लगभग नामुमकिन है। USA और रशिया के पास ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल धरती से, हवा से, यानी कि लैंड से, एयरक्राफ्ट से, और अपने नेवल शिप्स से, समुद्र से भी निशाना लगाने की क्षमता है। फिलहाल भारत ने जो टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया है वो धरती से किया है, यानी लैंड टू सैटेलाइट, लैंड टू स्पेस की क्षमता अभी हमारे पास है। अब हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। क्या भारत ने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े हैं? जी हाँ, जैसे कि भारत के कानून होते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सुपरविज़न में होते हैं। इनफैक्ट भारत ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट भारत कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष से जुड़े समझौते पे ऑलरेडी साइन कर चुका है। जैसे कि आपके जानकारी के लिए बता दें, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित किए हैं, जिसके तहत अगर हम स्पेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की रजिस्टर पे वो रजिस्टर होना चाहिए, जो भारत रजिस्टर करता है। कोई भी लॉन्च अगर हम स्पेस पे करते हैं तो एक प्री लॉन्च नोटिफिकेशन उनको देना होता है, वो भी भारत करता है। यूनाइटेड नेशंस स्पेस मिटिगेशन गाइडलाइंस बनाया हुआ है, जिस पे भारत का सहयोग होता है। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि स्पेस डेब्री, जैसे कि वर्ड है, स्पेस का जो कचरा होता है, वो कहीं पर भी एक दूसरे से टकराए ना, या फिर वो धरती पे आते हुए किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन अंतर्राष्ट्रीय जितने भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा स्पेस ऑब्जेक्ट प्रॉक्सिमिटी अवेयरनेस SOPA पे भी भारत साथ देता है। ऑब्जेक्ट प्रॉक्सिमिटी अवेयरनेस में क्या होता है कि इतने सारे सैटेलाइट्स, कई सारे सैकड़ों सैटेलाइट्स अभी अर्थ के ऑर्बिट पे मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से टकरा जाएं, तो वो एक दूसरे टकरा के नुकसान ना पहुंचाते, उसके लिए SOPA फॉर्मेशन किया गया है, उस पर भी भारत का सहयोग होता है। इसी तरीके से कोला COLA कॉलिजन अवॉइडेंस पे भी भारत का सहयोग होता है। और आउटर स्पेस मतलब बाहरी अंतरिक्ष का पीसफुल, शांतिपूर्ण यूज़ करने के लिए कुछ समझौते किए गए हैं, उस पे भी भारत बहुत सकारात्मक साझेदार है।
अंतरिक्ष में हथियार को लेकर इंटरनेशनल लॉज भी बनाए गए हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 69/32 है, 1967 में इस ट्रीटी को फॉर्म किया गया था। इस ट्रीटी के तहत, इस समझौते के तहत कोई भी देश मास डिस्ट्रक्शन, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले वेपन्स को अंतरिक्ष में स्थापित नहीं कर सकता। भारत भी इसका एक साझेदार है। प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, PARO-S में भी भारत एक साझेदार है। आर्म्स रेस अंतरिक्ष में नहीं किया जाएगा। अंतरिक्ष का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण एक्सपेरिमेंट के लिए और हमारे विज्ञान के खोज के लिए किया जाएगा। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़े गए हैं। तो ये जानकारी था मिशन शक्ति के बारे में, भारत के एंटी सैटेलाइट क्षमता के बारे में। भारत अपने डिफेंस सिस्टम में और भारत हर तरीके से टेक्नोलॉजी में कहीं ज़्यादा आगे हो सकता है, जैसा कि अभी हमारे साइंटिस्टों ने कर दिखाया है। उनको पूरे भारतवासियों की तरफ से, मॉडर्न बाबा टीम की तरफ से, मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। आप एक बात ध्यान दीजिए कि भारत इस क्षमता को 2019 में हासिल कर रहा है, जबकि अमेरिका ने यह क्षमता 1958 में ही हासिल कर लिया था। तो भारत इतना पीछे क्यों रह गया? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और बहुत सारे कारण हैं। यह सब हम लोगों को सोचने हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और भारत इतना पीछे कैसे रह गया। भारत अभी भी कई सारे कंट्रीज से आगे है, भारत का चौथा रैंक है, लेकिन भारत और भी ज़्यादा आगे हो सकता है जब हर एक व्यक्ति के पास नॉलेज हो। अब ध्यान देंगे, नासा में, यूएसए में कई सारे जो बड़े बड़े पोस्ट में साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब भारत मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को सशक्त करने की ज़रूरत है और ख़ुद को सशक्त करने का एकमात्र रास्ता है खुद को नॉलेजेबल बनाना, खुद को ज्ञानपूर्ण बनाना। तो इस चीज़ के लिए मॉडर्न बाबा प्रतिबद्ध है, आपके तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, हर तरीके से आपको सशक्त और ज्ञान पहुंचा के आप लोगों को एम्पावर करने के लिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 8-10 सालों में भारत के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। देखने में तो वो एक नॉर्मल मौत लगती है, लेकिन वो एक ट्रेंड किलर द्वारा अंजाम दिया गया मर्डर है। अब वो ट्रेंड किलर कौन है? क्या वो भारत के अंदर से किसी ने भेजा है? कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, उन कंट्रीज ने भारत पे ऐसा हमला करवाया है। वो कंट्री कौन है? इसी टॉपिक पे हमारा होगा अगला वीडियो। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हर कोई भारत के इस अचीवमेंट पे गर्व कर सके। आपको ऐसे ही वीडियोस और लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।